जानिए क्या है मणिकरण से जुड़ा इतिहास और रहस्य। यूं तो कुल्लू मनाली घूमने फिरने वालों की पसंदीदा जगह है, वहां की वादियां नज़ारे किसी को भी मोह लेते हैं, लेकिन मनाली एक धार्मिक जगह ऐसी है जहां बर्फीली ठंड में भी पानी उबलता रहता है। मान्यता है कि शेषनाग के गुस्से के कारण यहाँ पानी उबल रहा है। इस जगह का नाम मणिकरण है। कहा जाता है कि शेषनाग भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए यहाँ एक दुर्लभ मणि फेंकी थी, इस वजह से यह चमत्कार हुआ और आज भी जारी है। मणिकरण में शेषनाग ने भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए यहाँ मणि क्यों फेंकी थी, इसके पीछे कहानी भी अनोखी और दिलचस्प है। मान्यताओं के अनुसार मणिकरण ऐसा सुंदर स्थान है जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने करीब 11,000 वर्षों तक तपस्या की थी। माँ पार्वती जब जल क्रीड़ा कर रही थी तब उनके कानों में लगे आभूषणों की एक दुर्लभ मणि पानी में गिर गई। भगवान शिव ने अपने गणों को इस मणि को ढूंढने को कहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मणि नहीं मिल पाई। इससे भगवान शिव बेहद नाराज हो गए। यह देख देवता भी कांप उठे। शिव का क्रोध ऐसा बढ़ा कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया। इससे एक शक्ति पैदा हुई जिसका नाम नैना देवी पड़ा। नैना देवी ने बताया कि दुर्लभ मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास है। सभी देवता शेषनाग के पास गए और मणि मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर शेषनाग ने दूसरी मणियों के साथ इस विशेष मणि को भी वापस कर दिया। हालांकि वह इस घटनाक्रम से काफ़ी नाराज भी थे। शेषनाग ने जोर की पुकार भरी, जिस वजह से यहाँ पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। मणि वापस पाने के बाद पार्वती और शंकर जी प्रसन्न हो गए। तब से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ गया। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है। हिमाचल के मणिकरण का यह गुरुद्वारा बहुत ही प्रख्यात स्थल है। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखित वरिक गुरु खालसा में यह वर्णन है कि मणिकरण के कल्याण के लिए गुरु नानक देव अपने 5 चेलों संग यहाँ आए थे। गुरु नानक ने अपने एक चेले भाई मर्दाना को लंगर बनाने के लिए कुछ दाल और आटा मांग कर लाने के लिए कहा। फिर गुरु नानक ने भाई मर्दाने को जहाँ वो बैठे थे वहाँ से कोई भी पत्थर उठाने के लिए कहा। जब उन्होंने पत्थर उठाया तो वहीं से गर्म पानी का स्रोत बहना शुरू हो गया। यह स्रोत अब भी कायम है और इसके गर्म पानी का इस्तेमाल लंगर बनाने में होता है। कई श्रद्धालु इस पानी को पीते हैं और इसमें डुबकी लगाते हैं। कहते हैं कि यहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत के ग्रंथकार महर्षि वेदव्यास ने भी अपने भविष्य पुराण में लिखा था कि गुरु नानक के बाद सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह अपने 5 प्यारों संग मणिकरण का दर्शन करेंगे। मणिकरण देखने में बहुत ही अच्छा स्थल है। मणिकरण में बर्फ खूब पड़ती है, मगर ठंड के मौसम में भी गुरुद्वारा के अंदर बने विशाल स्नान स्थल में गर्म पानी आराम से नहाया जा सकता है। जितनी देर चाहे, मगर ध्यान रहे अधिक देर तक नहाने के चक्कर से चक्कर भी आ सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग अलग स्नानघर है। मणिकरण अन्य कई मनमोहक पर्यटक स्थलों का आधार स्थल भी है। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर ब्रह्मगंगा है, जहाँ पार्वती नदी व ब्रह्मगंगा मिलती है। यहाँ थोड़ी देर रुकना प्राकृत से जी भर मिलना है। 1.5 किलोमीटर दूर नारायणपुरी भी है। यहाँ पानी खुलकर बहता है और पर्यटक यहाँ पर अनुभव लेते हैं। इस दुर्गम रास्ते में मार्ग की पूरी जानकारी रखने वाले एक सही व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर आप लोग एक बार अवश्य आए और भगवान भोलेनाथ के दर्शन जरूर करें।